नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सामाजिक चेतना को जागृत कर समाज के अंतिम व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना विद्या भारती का लक्ष्य है। विद्या भारती झारखंड में 243 सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों, सरस्वती शिक्षा केंद्रों के माध्यम से युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए समाज और राष्ट्र आधारित अनेक गतिविधियां चला रही हैं। उक्त बातें विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गोविंद चंद्र मोहंत ने हिनू में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आज के लिए पूर्ण प्रासंगिक है को भी लागू करने के लिए विद्या भारती के विद्यालय प्रतिबद्ध है। इसे लेकर विद्यालय स्तर तक की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया, विद्या भारती अपने कार्यक्रमों को गति देने, समीक्षा करने तथा आगामी योजना के लिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की साधारण सभा 25 से 27 मार्च 2022 को रांची में आयोजित करने जा रही हैं। विद्या भारती पूरे देश में जो काम कर रही है, सेवा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में अपना जो काम कर रही है, उसके बारे में सबको जानकारी मिले और समाज का सहयोग हमको सभी को मिले, इस दृष्टि से हम इस प्रकार गणमाध्यम को कुछ बताना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको हम पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और स्वागत करते हैं। केवल स्वागत ही नहीं करते कि जिस प्रकार, जिस समय आवश्यक है सबके पास पहुंचाना और उसका क्रियान्वयन के लिए जो काम होना चाहिए, उसमें भी हम केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर हम कैसा कर सकते हैं। जहाँ जहाँ विद्या भारती का काम है, हम स्थानीय अधिकारी के साथ बातचीत करके जितना विद्या भारती सहयोग कर सकती है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। पूरे देश में विद्या भारती का 13,000 औपचारिक विद्यालय है और 12,000 अनौपचारिक विद्यालय है। तो इस प्रकार इसे 25,000 स्थान पर जो काम पूरे देश में ये चल रहा है, उसमें 35 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी के रूप में है, और लाखों इस प्रकार का बच्चे अध्ययन करके, पढ़ करके वो बाहर भी आज पूरे विश्व में अलग अलग देश में भी है और अपना देश में भी अलग अलग स्थान पर काम कर रहे हैं और उनका जो अपना अपना स्थान पर कर रहे हैं, अपना विद्या भारती के संस्कार विचार के साथ उन लोग देश के साथ जुड़े हुए, समाज के साथ जुड़े हुए ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं निकलना मुश्किल था, लेकिन उस समय हम शिक्षा का काम ऑनलाइन में कैसा चल सकता है, उस प्रकार हमारे शिक्षकों को, हमारे टीचर को हमने उसका ट्रेनिंग दिया। केवल मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको जोड़ कर रखे, सबका मन अच्छा रहे और सबको शिक्षा मिलते रहे, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया। लगभग पूरे देश में 80,000 इस प्रकार हमारे शिक्षकों को हमने प्रशिक्षण दिया, जिसके माध्यम से शिक्षा को चलाया। लेकिन केवल शिक्षा को चलाने का काम नहीं किया, सेवा काम भी हमने किया। कहीं पैकेट देना, मास्क देना, सैनिटाइजर बांटना, इस प्रकार का काम किया है और पूरे देश में इस प्रकार का काम को आगे बढ़ाते हुए अपना छोटे बच्चे से शुरू करके, अपना शिक्षकों से शुरू करके, परिवार से शुरू करके लाखों परिवार भी इसका हमको सहयोग किया है। उनके माध्यम से हमको सभी के पास जितना संभव हुआ उतना हम पहुंचने के लिए हम कोशिश किया और सबका योगदान उसमें रहा है।